आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर अपनी कुर्सी के बलिदान का भी ऐलान कर दिया। इसके जरिए केजरीवाल ने दिल्ली के लिए तो चाल चल दी है, क्योंकि दिल्ली में अगले साल फरवरी के आसपास चुनाव होने वाले हैं। केजरीवाल ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए नवंबर में चुनाव कराने की मांग कर दी है। केजरीवाल के कदम का क्या हरियाणा चुनाव में भी होगा असर, इसी मुद्दे पर करेंगे बातचीत। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि केजरीवाल ने आज पार्टी दफ्तर से देश की राजनीति को क्या संकेत और क्या संदेश दिया है। दो दिन के बाद, आज से दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं, और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। मैं मनीष जी से बात कर रहा था, जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाए, महाराष्ट्र के साथ कराए जाए, तुरंत कराए जाए चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा, और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया दो दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा, जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। तो केजरीवाल की बात तो आपने सुन ली, लेकिन दिल्ली का चुनाव अभी दूर है। अभी बड़ा सवाल यह है कि क्या उनके इस बलिदान का असर हरियाणा के चुनाव पर भी पड़ेगा। कांग्रेस कह रही है कि कोई असर नहीं होगा, लेकिन असर होगा या नहीं, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से सचिन कुमार जुड़े हैं, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी दफ्तर से दीपक रावत आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दीपक रावत के पास सबसे पहले चलते हैं। दीपक, केजरीवाल जितनी आसानी से और साधारण तरीके से बात कह रहे हैं, क्या ये बात उतनी ही आसान और साधारण लग रही है? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी प्लानिंग तो नहीं? देखिए, अरविंद केजरीवाल अब तक जो भी बात कहते हैं उसके पीछे कोई लंबा चौड़ा मकसद होता है, और पूरा कैलकुलेशन के बाद ही वो चीज़ करते हैं। ये अब तक देखा गया है। कैलकुलेशन ये कहती है कि दिल्ली में वैसे भी चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, 4 महीने बाद तो वैसे भी चुनाव होने हैं, और कामकाज जिस तरीके से चल रहा था पहले वो अभी भी चल सकता है। हालांकि अगर मुख्यमंत्री कुछ दूसरा आ जाता है, क्योंकि इनके साथ तो शर्त लग गई है सुप्रीम कोर्ट की बेल के बाद कि ये कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुला पाएंगे, कोई नई योजना लागू नहीं कर पाएंगे, तो सीधे तौर पर अगर जो 4 महीने में कुछ काम दिखाना चाहते हैं तो अगर नया मुख्यमंत्री आ जाता है वो कैबिनेट की मीटिंग बुला सकता है और वो नया योजना जो है वो लागू कर सकते हैं। खासतौर पर ₹1,000 हर महीने महिलाओं के अकाउंट में डालने की जो योजना थी, जिस पर पूरा चुनाव जो है वो लड़ा जाना था और महिलाओं का वोट बैंक हासिल करना था, वो एक बड़ी योजना है जिस पर आम आदमी पार्टी काम कर रही है। दूसरी कैलकुलेशन ये कहती है कि अभी अभी एक जेल से बाहर आए हैं, ये भी आए हैं, मनीष सिसोदिया भी आए हैं, उनके तमाम नेता भी आए हैं, तो अभी एक सिंपति वाला मूवमेंट बना हुआ है ताकि लोगों के बीच में ताजा मामला रहे, लोगों के बीच में अगर जाया जा सके कि मेरे पास कुर्सी का कोई लोभ नहीं है, मेरे पास किसी पद का कोई लोभ नहीं है, मैं इसलिए जनता के बीच रहना चाहता हूं, तो वो भी एक मैसेज क्रिएट करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। और यही वजह है कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा और तब तक नहीं लौटूंगा जब तक मुझे जनता नहीं चुनेगी। और अपने साथ साथ मनीष सिसोदिया का भी नाम ले लिया, क्योंकि मनीष सिसोदिया पर भी इसी मामले में आरोप लगे हैं। तो सीधा मैसेज है आम आदमी पार्टी का कि वो चुनाव की तैयारी पहले से ही कर रहे थे, अब उसको और तेजी से करेंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं। ठीक है दीपक, आपने ये अहम जानकारी दी, आप हमारे साथ बने रहिए। सचिन मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। सचिन, इस फैसले का चंडीगढ़ हरियाणा चुनाव में, आप चंडीगढ़ से लाइव जुड़े हैं, हरियाणा चुनाव से पहले ऐसा फैसला क्या असर डालेगा? जी देखिए, असर तो डेफिनेटली होगा। नंबर एक कि अरविंद केजरीवाल जो हैं, जो
बतौर चीफ मिनिस्टर जो उनकी जिम्मेवारियां हैं उनसे मुक्त हो जाएंगे और पूरी तरह जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए वो काम करेंगे। तो हरियाणा में चुनाव हैं अभी 5 अक्टूबर को, तो उसमें काफ़ी वक्त है प्रचार के लिए। तो अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री पद से मुक्त हो जाएंगे तो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करेंगे, पार्टी के प्रचार पे फोकस करेंगे और इसका हरियाणा पे निश्चित तौर से असर होगा, क्योंकि जहां अगर हम 5% अगर आम आदमी पार्टी को मानते थे तो हो सकता है वो 10% पे आ जाए। प्रचार का फर्क डेफिनेटली पड़ेगा और इस चीज़ को कांग्रेस चाहे बेशक जो है अब नकार दे कि फर्क नहीं पड़ेगा, पर यह तय है कि हरियाणा के चुनाव पे फर्क पड़ेगा इस बात का। और प्रचार जो है, सवाल ये भी है कि कितना प्रचार जो है आम आदमी पार्टी हरियाणा में करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। बेशक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो दोनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का मकसद एक है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनको बीजेपी को सत्ता से, हरियाणा की सत्ता से जो है वो बेदखल किया जाए। तो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आम आदमी पार्टी की, ये जो है देखना दिलचस्प होगा। और इससे पहले भी आम आदमी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल के जो हरियाणा से बिलोंगिंग है, हरियाणा में जो रूट्स हैं उनको जो है भुनाने की कोशिश करती रही है। तो आने वाले दिन दिलचस्प होंगे देखने के लिए कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का कितना इस्तेमाल जो है, कितना केजरीवाल जो है आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में चुनाव में प्रचार करते हैं। अगर जिस तरीके से वो प्रचार करते रहे हैं पहले भी चुनावों में, अगर वैसा ही प्रचार आम आदमी पार्टी हरियाणा में करती है, अरविंद केजरीवाल करते हैं, तो निश्चित तौर से फर्क पड़ेगा। और जैसी हरियाणा की राजनीति पहले रही है, अगर नेक एंड नेक अगर कंटेस्ट होता है तो फिर जो थोड़े से वोटों का जो स्विंग होता है वो जो है वो ज्यादा फर्क डाल जाता है। हालांकि कांग्रेस लीडरशिप जरूर इस बात को कह रही है कि कांग्रेस मजबूत है आज की डेट में हरियाणा में, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस ने पिछले 2 सालों में अपना जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी दुरुस्त किया है। सचिन, ये काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।